नालंदा को जिला बनाने का प्रस्ताव संपूर्ण परीक्षण कर गजट नोटिफिकेशन के दावे आपत्ति आमंत्रित कर उनका निराकरण कर शासन के पास प्रेषित किया गया था। वो प्रस्ताव शिवराज सरकार के समय से ही लंबित पड़ा है। निश्चित रूप से काफी समय हो गया। हम माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से मांग करते कि इस लंबित प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद स्वीकृत कर नालंदा को जिला घोषित किया जाए। निश्चित रूप से ये बड़ी विडम्बना की बात है कि शिवराजी सरकार ने 3 बार नागदा आए थे, 3 बार नागदा को जिला बनाने की घोषणा की थी, गजट नोटिफिकेशन भी उनके द्वारा किए गए थे और कमलनाथ सरकार द्वारा भी नागदा को जिला बनाने का प्रस्ताव पास किया था। तो निश्चित रूप से नागदा को जिला बनने की औपचारिकता सभी पूर्ण हो चुकी थी, प्रस्ताव भी शासन के पास जा चुके थे, परंतु पाडोना और अन्य स्थान को शासन ने शिवराज सरकार ने बने, मैं उस समय कांग्रेस विधायक होने के नाते हमारा नागदा को जिला बनाने प्रस्ताव सम्मिलित नहीं किया गया कि कांग्रेस विधायक को श्रेय जाएगा, परंतु अब तो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पर जिले के ही मुख्यमंत्री मोहन यादव जी प्रदेश के मुखिया है। निश्चित रूप से अब तो उनको तत्काल नागदा जिला बनाने का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में पास करके नागदा जिला घोषित किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोग और इस बात को प्रचारित कर रहे हैं कि यहाँ के व्यापारी वर्ग नहीं चाहता कि नागदा जिला बने और उद्योग नहीं चाहता, तो इन मेरा व्यापारी वर्ग से भी अनुरोध है कि वो अपने तेज बहादुर जी से मिले और उनसे चर्चा करें कि नागदा के हित के लिए जिला बनना बहुत आवश्यक है। ये नागदा जिला बनता है तो निश्चित से हमारे मेडिकल कॉलेज आएंगे, पीएम कॉलेज भी आएंगे और कई सौगातें हमारे क्षेत्र को मिलेगी और यदि जिला बनता है तो इस क्षेत्र में उन्नति विकास के रोजगार के बहुत सारे अवसर खुलेंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि तत्काल नागदा को जिला जो लंबित प्रस्ताव है जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की घोषणा है उसको तत्काल पूरा करें और नागदा की जनता को एक सौगात दे। और अभी 15 अगस्त आ रहा है, 15 अगस्त को आके खुद ही मुख्यमंत्री जी यहाँ पर झंडा फहराए और नागदा को जिला बनाए। हम माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं और यदि अभी आगामी विधानसभा में हम कांग्रेस विधायक के माध्यम से इस बात को उठाएंगे और शासन का ध्यान आकर्षित करेंगे। यदि फिर भी शासन ने ध्यान नहीं दिया तो हम जन आंदोलन पुनः नागदा को जिला बनाने के लिए प्रारंभ। हेलो पेरेंट्स, क्या आप भी अपने नन्हे मुन्हे बच्चों के लिए एक बेहतर किड्स प्ले स्कूल की तलाश में हैं? तो आइए आपको लेकर चलते हैं हमारे नागदा शहर के सबसे बड़े एवं अफोर्डेबल किड्स प्ले स्कूल दी हम्प्टी डम्प्टी में, जहां आपको अपने बच्चे को गेट तक छोड़कर जाना है, उसके बाद वे हमारी जिम्मेदारी हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ आपको वो सभी एक्टिविटीज करवाई जाएंगी जिससे बच्चे की सीखने की क्षमता विकसित हो और वे एक बेहतर इंसान बन सकें। हमारे प्ले स्कूल में जो भी एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, वो आपको नागदा के किसी भी दूसरे प्ले स्कूल में नहीं मिलेंगी। इसीलिए सभी पेरेंट्स की पहली चॉइस दी हम्प्टी डम्प्टी। हमारे यहाँ बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक्सपीरियंस्ड टीचर्स और गुड केयर टेकर्स भी हैं। हमारे यहाँ बच्चों को प्रतिदिन गाय का दूध और पौष्टिक आहार दिया जाता है जो बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ बच्चों को ऑडियो विजुअल तरीके से पढ़ाया जाता है जिससे बच्चों को सीखने और समझने में आसानी होती है। तो
अगर आपको आपके बच्चे का भविष्य बनाना है तो आपको हमारे हम्प्टी डम्प्टी स्कूल में आना है। एडमिशंस ओपन हो गए हैं, हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा मोबाइल नंबर 888-9488-540 एवं 7987-67-6690। हम तक पहुंचने के लिए पालिया रोड स्थित आर्य गार्डन से बाई ओर 10 कदम की दूरी पर ही दिख जाएगा आपको हमारा विद्यालय, जो कि आदित्य विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल के परिसर में ही स्थित है। तो पधारिए और अपने बच्चों के भविष्य को दें एक नई उड़ान। धन्यवाद। हम्प्टी डम्प्टी।